सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। और क्योंकि आप सभी ने इतना सब्र किया है, इतना धैर्य रखा है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है जो अत्यंत प्रभावशाली है और इसे घर पे ही आप कर सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। होता ये है कि जो लोग आपको प्रतिदिन वीडियो देते हैं, हर दूसरे दिन वीडियो ला के दे देते हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, मगर मैं इतना ही कहूँगा कि वो दकियानूसी बातें होती हैं, वो सिर्फ सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताता हूँ इसके ऊपर हम पहले खुद शोध करते हैं, इसके परिणाम देखते हैं, और अगर इसके परिणाम सही होते हैं तभी हम आप तक ये पहुँचाते हैं। इसीलिए हमारी वीडियो में आपको थोड़ा समय या थोड़ा सब्र करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ जिनका फिर से काम बना है और वो अति प्रसन्न है। तो आप पहले इनसे मिलिए, इनकी बातें सुनिए और उसके बाद मैं वीडियो का शेष भाग आपको सुनाऊंगा। मेरा काम था, मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करने के लिए सोची थी मैं। अच्छा, वो मेरा नहीं, आपने कैसे किया था ये बताइए। वो उसमें आपने बताया था ना कि पानी की बोतल में कुछ लिख करके चिपका दो, तो वो मैंने चिपकाया। फिर उसके बाद में एक घंटा तक उसके भीतर में मैंने पानी नहीं पिया। फिर उसके बाद में फिर वो पानी पिया, वो पानी पीते के साथ में मेरे पास में फोन आ गया, जिसका काम मैं शुरू की उसका फोन आ गया, मेरा काम हो गया गुरु जी। थैंक यू, धन्यवाद आपको गुरु जी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को क्या कहना चाहोगे, जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनको क्या कहोगे? मैं तो कहती हूँ कि भाई ये काम तो बिल्कुल श्योर है गुरु जी। देखिए, मैं शिव योग से जुड़ी हुई हूँ जी, मैं शिव योग से जुड़ी हुई हूँ, मैं सांभवी भी करती हूँ, शिव विद्या की साधक हूँ। वैसे फिर मैं दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र का पाठ करती हूँ, मैं तो बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन आपका ये मैंने किया, मेरे को तो 100% विश्वास है। किसी को हो ना हो, मेरे को तो 100% विश्वास हो गया कि मेरा काम हुआ। अच्छा, तो लोगों को क्या कहेंगे, जो लोग ये ट्राई करते हैं और उनका काम हो नहीं पा रहा है, तो उनको क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ उनको तो ट्राई करना चाहिए। अच्छा, कितने टाइम में हो गया था आपका काम? मैं तो कहती हूँ ना कि एक घंटे के भीतर में मेरा रिजल्ट आ गया ये। अच्छा। मैं इधर में पानी पी हूँ और इधर में मेरा रिजल्ट आ गया एक घंटे के अंदर में। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी का तो बहुत टाइम भी लगा, मैं तो सुनती हूँ आपको मैं मोबाइल पर जी जी, लेकिन किसी को तो मैं सुनती हूँ, लेकिन कोई बोलता है कि मेरा 24 घंटे में हुआ, कोई बोलता है 15 मिनट में, कहना 5 घंटे में हुआ, कोई कितने बजे हुआ, लेकिन मेरा तो 1 घंटे में रिजल्ट आ गया, मेरा काम हो गया गुरु जी। थैंक यू। चलिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका काम हो गया, सबका ही काम हो जाए हम तो चाहते हैं। हाँ, और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जो ये कहते हैं ना कि मेरा काम नहीं हुआ, मैं तो कहती हूँ कि उनको करना ही नहीं आया, जी विश्वास नहीं है उनको। दो माइंडेड होकर लोग काम करते हैं, अपने फायदे के लिए लोग देखते हैं ना कि बस मेरा फायदा हो जाए, सामने वाले का चाहे नुकसान हो जाए, ये सोच के काम करते हैं, तो फिर नहीं हो पाता ना उनका काम। नहीं नहीं गुरु जी, वो गलत चीज है जी। अगर मैंने गुरु को यदि दिल से ध्याया है ना जी जी, तो वो काम 100% होगा, मेरा विश्वास से मैंने किया। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास जो करेगा उसका काम तो होगा। मैंने किया कि मेरा काम होगा और मैंने वो घास में गांठ भी लगाई है। चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो होना ही था। हाँ, क्या बात, वो घास में गांठ भी लगाई है और वो भी हनुमान जी के मंदिर में जाके लगाई हूँ मैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और ऐसे ही सबका काम बने। लेकिन गुरु जी मैं तो बोलती, जो नहीं वो सोचते ना कि नहीं हुआ, उनको विश्वास नहीं है गुरु जी, सब विश्वास के ऊपर में अटल है। आज एक पति पत्नी भी यदि होते हैं ना, वो शादी करके आते हैं तो वो भी एक विश्वास के थ्रू ही तो वो काम करते हैं ना, कि वे शादी करेंगे तो मतलब जिंदगी एकदम से पूरी मतलब विश्वास के तौर पर बीत जाएगी। जी, जी, तो जी। वो विश्वास के तौर पर वो जिंदगी बीतती है गुरु जी, लेकिन कोई नहीं सोचता तो नहीं सोचते, लेकिन गुरु जी मेरा तो 100% काम हो गया। अच्छा, सारी बातें छोड़िए, मेरे को ये बताइए आप कितनी खुश हैं? मैं जी मैं तो कहते ना कि मेरे पास जवान से बयान भी नहीं कर पा रही कि मैं इतनी खुश हूँ। चलिए चलिए, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे खुश रहें और भगवान आपकी हमेशा सारी मुरादें पूरी करें, और हमारे चैनल को जरूर देखिएगा और लोगों में
ज्ञान जरूर बांटिएगा, जिनको जरूरत है उनको बताइएगा कि मैं तो अपनी बहन को भी बोली हूँ, मेरी बहन आसाम में रहती है, मैं उनको भी बोली हूँ। जी 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 जी। लेकिन वो बोलती है मेरे को मोबाइल चलाना नहीं आता है, लेकिन मैं कहती किसी ना किसी से सुन सीख लो। जी जी, इसको वाटर एक्सपेरिमेंट बताइए। मेरा गानोई इंटरनेट का काम करते हैं, तो मैं उनको बोली हूँ तुम अपने पति से पूछ लो, वो बता देंगे तुमको। जी 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 जी, तो उनको बताइए कि वो वाटर एक्सपेरिमेंट करें, आप उनको बताइए जैसे आपने किया है तो उनका भी काम बनेगा। बताऊंगी जो शोर बताऊंगी उनको। ठीक है जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, हमेशा खुश रहिए। मैं यहाँ समझ जाती ना, इतना खुश हूँ ना कि आज मैं पहली बार मैं आपसे बात कर पाई, मैं मोबाइल पर रात तक किसी से मैं बात नहीं की। अच्छा। लेकिन आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के काम बन जाते हैं, तो आपसे ज्यादा मुझे खुशी होती है। आज तो गुरु जी मेरे को ऐसा तो लगता है कि हम कहते हैं ना कि एक मेरे को एक सगा भाई होता है ना। हाँ जी, उसको भी ज्यादा आप लगने लग गए आज उनको खरीदने से। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, और हमेशा आप इसी फ्रिक्वेंसी में रहिए, इसी वाइब्रेशन में रहिए, खुशी के वाइब्रेशन बांटिए तो खुशी आपको दोबारा मिलेगी। ठीक है, जितना हो सके भजन जरूर सुनिए दिन में, कम से कम 3 भजन ऊपर वाले के, जिसको भी आप मानते हो उसके नाम की 3 भजन जरूर सुनिए। श्याम जी की भक्ति करती हूँ, श्याम बाबा के बहुत भजन गाती हूँ। बस फिर तो चिंता की बात ही नहीं है। एकादशी का उपास भी करती हूँ, एकादशी को भजन गाती हूँ। ऐसे तो मेरे पास में जब आप इतने काम करते हो ना, तो ऊपर वाला कैसे आपकी नहीं सुनेगा, उसको सुननी ही पड़ेगी। ठीक है, ठीक है जी, हाँ ठीक है। बाकी आप खुश रहिए, और कभी कोई दिक्कत आए तो जरूर कॉल करिएगा। ठीक है, जरूर करूंगी गुरु जी। ओके जी, ओम नमः शिवाय। नमस्ते गुरु जी। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा समय समय पे परिणाम दिखाता रहता हूँ लोगों के, कि कैसे उनके काम बनते हैं। और हमेशा की तरह फिर से कहूँगा कि अगर इस दुनिया में किसी और का काम बन सकता है तो आपका क्यों नहीं बन सकता। और जैसे इनका काम बना है वैसे आपका भी काम बनेगा। ज़रूरत है तो सिर्फ सही तरीके की, सही सोच की और सही आत्मविश्वास की। चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ और बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको एक साधारण सा पेपर लेना है, कोई भी कागज हो, कैसा भी कागज हो, अखबार हो, न्यूज़पेपर हो, या किसी कॉपी में से आपने लिया हो, रजिस्टर में से लिया हो, कैसा भी कागज हो, किसी भी रंग का हो, आपको उसके ऊपर अपनी इच्छा लिख देनी है। जो भी आपकी इच्छा है, आप किसी से प्यार करते हैं, या आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, या किसी से पैसे लेने हैं, या आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ भी आपको समस्या है वो आपको उस पर लिख देनी है। किसी भी रंग के पेन से लिख दीजिए, कहीं से भी कुछ भी पेन मिल जाए या पेंसिल मिल जाए, किसी से भी लिख दीजिए। उसके बाद फिर आपको उस पेपर को अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना। जिस प्रकार से घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसी प्रकार से अपने ऊपर से घुमाइए, सर से पांव तक घुमाइएगा। और उसको 7 बार घुमाने के बाद आपको उसको जला देना है। जलाने के बाद जो उसकी राख बचेगी, उसके आपको 3 तिलक लगाने हैं, एक अपने माथे पे, एक अपनी गर्दन पे, और एक अपने पेट के ऊपर या छाती पर भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि 3 तिलक होने चाहिए। ऐसा आपको 7 दिन लगातार करना है, और ये इतना प्रभावशाली उपाय है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ये तुरंत असर करता है, बहुत ही असरदार है उपाय। और ये हमने अभी प्रयोग करके देखा है, इसके परिणाम बहुत ज़बरदस्त हैं। ये बहुत ही जल्दी काम करता है, सभी के लिए काम करेगा, इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है कि आपने घुमाया और हो गया। इसको करने से पहले आपको इसके ऊपर पूर्णतः विश्वास करना होगा। किसी भी चीज़ को पाना है तो उस पर पहले विश्वास करना सीखिए। पहला चरण होता है विश्वास करना, बिलीव करना। जब आप विश्वास कर लेते हैं तो उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा सरल हो जाती हैं। और जो आपने रिकॉर्डिंग सुनी थी, ये वाटर एक्सपेरिमेंट का कमाल है, जो हमने बहुत पहले वीडियो डाली थी। इसमें लोग पूछते हैं कैसे करना है,
कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक पानी की बोतल के ऊपर अपनी इच्छा लिख के कागज पे वो चिपका देनी है, और बोतल पे किसी तरह का कोई टैटू या कुछ और ना लिखा हो, और उस बोतल का पानी पीना है 90 दिनों तक, 90 डेज तक, और वो जो भी आपका काम होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें इसी वाटर एक्सपेरिमेंट के मिले हैं, क्योंकि जो वाटर होता है, पानी जो होता है, उसके अंदर मेमोरी होती है। आप जो भी बातें करते हैं या जो भी जैसा भी माहौल आपके आसपास है, वो सब पानी में स्टोर हो जाता है। अब वो बात अलग है कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही सनातन सत्य है कि जो भी आप करते हैं, पानी के अंदर सब कुछ स्टोर होता रहता है। और आप अगर कुछ अच्छा करते हैं, पॉजिटिव माहौल है, तो वो भी पानी में स्टोर होता है। अगर कुछ नेगेटिव माहौल है, तो वो भी पानी में स्टोर हो जाता है। और इसी पद्धति पर वाटर एक्सपेरिमेंट काम करता है। शर्त यह है कि जब आप वाटर एक्सपेरिमेंट करें तो आपको उदास नहीं होना, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। जिस फ्रिक्वेंसी पर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पर रहिए 90 डेज तक। यदि नहीं रह सकते तो कोशिश ज़रूर करिए, और उसके बाद देखिए होगा चमत्कार। ऐसे ऐसे काम बन जाते हैं जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, लोगों के ऐसे ऐसे काम बने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सारी समझ में आ गई होगी। यदि कुछ भी समस्या है या कुछ भी समझ में नहीं आता, तो हमें WhatsApp पर संपर्क करें और मैसेज छोड़ने के बाद प्रतीक्षा करें, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आते हैं और बहुत लोगों को जवाब देना पड़ता है। एक बात और ये कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक मेरी किसी वीडियो से भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ, तो आप बेशक मेरा चैनल मत देखिएगा। आपको मैं नहीं कहता कि मेरा चैनल देखिए, बहुत सारे लोगों के ऐसे चैनल हैं जो स्पिरिचुअल वीडियोज़ बनाते हैं, आप उनके चैनल देखिए, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन जिनके काम बनते हैं या जिनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बात बन सकती है, वो ज़रूर देखें और पूरी सच्ची निष्ठा भाव के साथ करें। ऊपर वाला आपके साथ होगा और आपके काम ज़रूर बनेंगे। यदि आपका मन साफ है तो सब कुछ साफ है। और अंत में इतना ही कहूँगा कि ऊपर वाले को छोड़ के कहीं और दिल लगाया तो अंत में पछताना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।